दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मामलों को लेकर एक गुड न्यूज दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कल दिल्ली में 4006 पॉजिटिव केस पाए गए। पॉजिटिविटी रेट 7 नवंबर को 15% से ऊपर था, जो कि कल घटकर 7% से भी कम हो गया। दिल्ली में 4006 पॉजिटिव केसेस पाए गए, 4006, और पॉजिटिविटी जो है जो 7 नवंबर को 15% से ज़्यादा थी, कल घट के 7% से भी नीचे आ गई है। काफ़ी तेज़ी से संक्रमण की दर कम हो रही है और ये थोड़ा सा संतोष का विषय भी है, और ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये 5% से भी शायद नीचे पहुंच जाएगी। कोविड क्लिनिक आप लोगों ने बनाया था राजीव गांधी में, अब क्योंकि कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों में कुछ परेशानी आ रही, तो क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि सारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई सेंटर बनाया जाए? अभी वहाँ पर सफिशेंट कैपेसिटी है, और पोस्ट कोविड में ज़्यादातर उन्हीं को जरूरत पड़ती है जो आईसीयू तक जाते हैं, बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, सबको आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, जो कोविड केयर सेंटर हैं, क्या उनमें भी आईसीयू की क्योंकि मांग हो रही थी कुछ दिनों से, तो क्या वहाँ? मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर आज 1600 से भी ज़्यादा आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, और 11000 से भी ज़्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड अवेलेबल है। तो कोविड केयर सेंटर में आईसीयू बेड बनाने का तो लॉजिक बनता नहीं है। कारण क्या है कि अस्पताल की सारी फैसिलिटी चाहिए होती है, उसमें ऑक्सीजन से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको हर तरह के डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए।